तेलंगाना में भारी बारिश से उफान पर नदियां, सीएम केसीआर ने अधिकारियों को किया अलर्ट। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती, सावन के पहले दिन हरिद्वार से देवघर तक शिव भक्तों का रैला। यशवंत सिन्हा का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे पर बनाया गया दबाव। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले, 3.16% तक पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए अश्विन की होगी टीम में वापसी, विराट और बुमराह को दिया जाएगा आराम। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी का तीसरा दिन है। इस दौरान सीएम योगी ने कोटेदारों को उपहार दिया और कहा कि कोटेदारों की दुकानों पर सीएससी की सुविधा मिलने पर कोटेदार सक्षम बन सकेंगे और गाँव के लोगों को भी विभिन्न सरकारी सेवाओं की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही 200 करोड़ से ज्यादा का बजट देने की सीएम ने घोषणा की। वर्षों पहले जो लोग उत्तर प्रदेश छोड़कर के दूसरे राज्यों में जाकर के वहां अपना व्यवसाय या नौकरी पेशा कर रहे थे, कोरोना कालखंड में अगर उनका नौकरी पेशा या उनका व्यवसाय प्रभावित हुआ, अपने गांव की तरफ आए, सरकार ने उनके स्वागत के लिए पावड़े बिछा करके उनका स्वागत किया और उन्हें राशन कार्ड और उनके लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के कार्य के साथ सरकार जुड़ी और उत्तर प्रदेश वासी के लिए व्यवस्था की थी कि अगर कहीं बाहर से आया है उसके पास सुविधा नहीं है तो सरकार ने उस समय एक व्यवस्था दी थी कि उसे 15 दिन का राशन उसके साथ पहुंचाने, 1000 रुपये उसको उपलब्ध करवाने के साथ ही अगर उसके पास राशन कार्ड नहीं है तो उसके लिए राशन कार्ड भी उस दौरान सरकार ने बनाने के इस कार्य को आगे बढ़ाया था। सौभाग्यशाली आप इसलिए भी हैं, हमारे भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में अन्न को ब्रह्म माना गया है और अन्नदान सबसे बड़ा दान माना गया है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप उस दान के हकदार बन जाते हैं। पैसा सरकार दे रही है, सुविधा सरकार दे रही है, लेकिन वह अन्न आपके माध्यम से गरीबों तक पहुंच पाता है। उपलक्ष में आज सीएम ने कई बड़ी सौगातें दी हैं। गोरखपुर दौरे पर सीएम ने कोठेदारों को उपहार दिया है और साथ ही साथ राशन वितरण से संबंधित सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने इसकी महत्वता को भी बताया। आपको बता दें कि गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी रहे और सीएम योगी ने तीनों दिन कई उपहार दिए हैं और आज सुबह सीएम ने सबसे पहले पूजा अर्चना की। आज सावन का पहला दिन है और भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद वो कई सौगातें जनता को देते हुए नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोठेदारों को उपहार दिया है और कहा कि कोठेदारों की दुकानों पर सीएससी की सुविधा मिलने पर कोटेदार सक्षम बन सकेंगे और गांव के लोगों को भी विभिन्न सरकारी सेवाओं की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही 200 करोड़ से ज्यादा का बजट देने की घोषणा भी करी है। आपको बता दें कि मुफ्त राशन वितरण की सुविधा को और बढ़ा दिया गया है। लंबे समय तक अब मुफ्त राशन की सुविधा लोगों को मिल सकेगी, गरीबों को मिल सकेगी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं हमारे साथ गोरखपुर से। हिमांशु, कितने की सौगात दी सीएम योगी ने आज और क्या कुछ इसके बारे में जानकारी दी? योगी राज गंभीर प्रेक्षागृह से जो है कोटेदारों से संबोधित किया है और कोटेदारों के लिए बड़ा उपहार उन्होंने दिया है। सभी के 20 रुपए की जो है बढ़त की गई है। ऐसे में इसमें बता दें कि केंद्र सरकार की
के तरफ से जो है दिया जाता है ठेकेदारों को जो है, और काफी कई राज्यों में काफी पैसे बढ़े हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ठेकेदारों को बहुत बड़ी राहत मिली और बहुत बड़ा सौगात मिला। उनका साफ कहना था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने देखा है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और ये योगी राज्य ही हो पाया है, क्योंकि सीधी सी बात है कि 20 रुपए की बढ़त होने से उनको सीधा लाभ होगा, और इसके साथ ही उसको जीएसटी से जोड़ दिया जा रहा है। अभी 40 जिलों में उसको शुरू किया जाएगा इस योजना को, और डिजिटलाइज कर दिया जाएगा पूरी तरह से, ई डिजिटलाइज रहेगा, और जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा, फायदा उठा सकते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोटे के सामान ही नहीं बल्कि इसके साथ ही राशन की ही बात कर दें आप, तो राशन के अलावा आप जितने भी जन्म प्रमाण पत्र हैं, आय प्रमाण पत्र हैं, जाति प्रमाण पत्र हैं, ये भी वहां से बना सकते हैं, जिससे लोगों को, आम आदमियों को, आम नागरिकों को कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा। जो कह सकते हैं कि नगर निगम और अन्य विभागों में दौड़ते थे, उनकी कई विभागों में दौड़ने की सहूलियत जो है वो खत्म हो जाए, सहूलियत मिलेगी और भागदौड़ खत्म हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है उनको बड़ा लाभ मिलना है, लोगों को भी, जनता को, गाँव के लोगों को मिलना है, क्योंकि उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता होता। ऐसे में बता दें कि जाहिर सी बात है कि 20 रुपया बढ़ने से जिसमें 10 रुपया केंद्र सरकार की तरफ से और 10 रुपया राज्य सरकार की तरफ से ये बढ़ाया जा रहा है, मुझे इसमें जो है बड़ा लाभ मिल रहा है, और कोटेदारों को भी इसका लाभ सीधा मिल रहा है, उनका भी मुनाफा होने वाला है, क्योंकि जब पीएससी से इसको जोड़ दिया जाएगा तो सीधी सी बात है उनकी आय दुगनी हो जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े थे, इस खबर पर हमारे साथ गोरखपुर से। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस की सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है। 13 जुलाई को वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने अपनी दलील पेश की, मगर पूरा पक्ष न रख पाने के कारण आज यानी 14 जुलाई को भी सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील पेश की थी, आज दोपहर 2 बजे सुनवाई फिर से होगी। तो ये मामला लगातार चर्चा में भी बना हुआ है, और दोनों पक्ष के अधिवक्ता अपने अपने दलीलें पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार सुनवाई का दौर जारी है। 13 जुलाई को वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की, मगर पूरा पक्ष नहीं रख पाए, और इस कारण आज 14 जुलाई को सुनवाई फिर होगी, 2 बजे से सुनवाई होगी। मंगलवार को मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश करी थी, और आज दोपहर 2 बजे जब सुनवाई होगी, तो बीते दिन जो हिंदू पक्ष अपनी दलीलें नहीं रख पाया था वो आज रख सकते हैं। इस खबर पर हमारे साथ वाराणसी संवाददाता आफताब आलम जुड़ चुके हैं। आफताब, बीते दिन हिंदू पक्षकार ने अपनी दलीलें रखी थी, लेकिन जो दलीलें वो पेश नहीं कर पाए थे, जो पॉइंट्स वो अदालत में नहीं रख पाए थे, कहा जा रहा है कि आज वो रख सकते हैं, क्या कुछ देखने को मिल सकता है आज अदालत में? जी, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में बुधवार को जिला जज डॉक्टर अजय की विशेष की अदालत में बहस जारी रही। हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने 2 घंटे तक मुकम्मल मेरिट पर दलील पेश की। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए आज 14 तारीख दी है। मुकदमे की मेरिट पर वादी पक्ष अपनी बहस जारी रखेगा। वादी पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने संविधान में अनुच्छेद 25 मौलिक अधिकार को लेकर के उठाए गए सवाल पर मंदिर और मूर्ति पर अस्पष्ट दिख रहे चिन्ह स्वयंभू जैसे बिंदुओं पर दलील रखी। समर्थन में हिंदू स्वास्तिक ला के अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। काशी के इतिहास, वेद पुराण और शास्त्रों में मंदिर को 2 बार तोड़ने का जिक्र उल्लेख किया। हिंदू कानूनों के जरिए स्पष्ट करने का प्रयास हुआ है कि ज्ञानवापी में मंदिर रहा है। अधिवक्ता ने दलील दी कि वादी पक्ष के या वाद कब्जा नहीं बल्कि पूजा के अधिकार के संबंध में दाखिल किया है। पूर्व में हिंदू पक्ष यहां पूजा अर्चना करते थे, 1991 में उस पर रोक लगा दी गई थी। इन दलीलों के साथ उन्होंने वाद पुष्टिता बताया है। हरिशंकर जैन ने प्रतिवादी पक्ष की तरफ से वाद मेरिट पर की गई बहस को सिर्फ केस को लटकाने का प्रयास करार दिया है। जी आफताब, अगर बात करें मुस्लिम पक्ष की, तो मंगलवार को मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें पेश करी थी, तो क्या लगता है आज मुस्लिम पक्ष भी अपनी दलीलें रख सकता है हिंदू पक्ष की दलीलों के बाद? अभी हिंदू पक्ष के द्वारा ही दलील रखी जा रही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमको 2 दिन का समय चाहिए। तो समय के हिसाब से जो दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिला जज के अदालत में केस पुष्टिता पर सुनवाई कर रही है। पिछली तारीखों में इंतजामिया कमेटी की मस्जिद की तरफ से वाद को मेरिट के आधार पर ही खारिज करने की दलील दी गई थी।
गुरु पूर्णिमा के पर्व होने के कारण कल बुधवार को करीब सामान्य भीड़ थी, जिसकी वजह से सुनवाई दोपहर 2 बजे से शुरू हुई थी। सिंगार गौरी के दर्शन पूजन सौंपने संबंधित मांग को लेकर के वादी राखी सहित 4 महिलाओं ने पिछले साल कोर्ट में गुहार लगाई थी। जी। तो प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया कमेटी मस्जिद के प्रार्थना पत्र देकर के वाद को पुसलता पर सवाल उठाया था। जी आफ्ताब, अगर बात करें मुस्लिम पक्ष की दलीलों की, तो मंगलवार को उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स अदालत में पेश किए थे? जी टोटल 52 बिंदु थे और उसमें से उन्होंने 52 बिंदुओं पर दलील अपनी पेश की थी, जिसको आपको बता दें कि 7 एक्ट के रूल के तहत ही वो सारी सुनवाई हो रही थी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता आफ्ताब आलम जुड़े थे वाराणसी से। गोरखपुर में पर्यटन विभाग द्वारा कराए गए मानसरोवर शिव मंदिर और रामलीला मैदान अधिया रीबा के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण योगी ने किया। जानकारी के मुताबिक मानसरोवर मंदिर के सुंदरीकरण पर करीब 6.01 करोड़, जबकि रामलीला मैदान के सुंदरीकरण पर 1.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आज के कोटेदारों के योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में उपहार दिया। प्रदेश भर के करीब 80,000 कोठे की दुकानों को लोगों की सुविधा के लिए जनसेवा केंद्र के रूप में विकसित जाएगा। साथ ही सभी कोटेदारों के लाभांश में 20 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि भी घोषित की गई है और इसी कड़ी में सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया। हरदोई में भगवान भोलेनाथ की आराधना से सावन महीने की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ कावड़ यात्रा की शुरुआत भी की गई। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन कावड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है और नगर के अलावा देहात क्षेत्र में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाईवे पर रूट डायवर्जन को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। शिव भक्त राजघाट और मेहंदी घाट समेत 3 घाटों से गंगा जल लेकर गुजरेंगे। इसके लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी स्तर पर तैयारी को पुख्ता कर लिया है। जनपद में पूरे जनपद में ही इसका श्रावण माह का प्रभाव रहेगा। लगभग 12 मंदिर हमारे महत्वपूर्ण हैं जहाँ पर शिव भक्त जुटते हैं। प्रमुखता हमारे बिलग्राम में और मल्लावा और बेठा गोकुल 3 प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पर भारी भीड़ होती है। इसके अतिरिक्त हमारे 3 घाट हैं। कांवड़ियों के लिए लगभग 10 शिविर लगते हैं। साथ ही साथ अन्य जनपदों से आने वाले शिव भक्त कांवड़िए जल लेकर के खीरी और सीतापुर लगभग 5 मार्गों से जाते हैं। तो इन मार्गों के लिए, शिविरों के लिए, मंदिरों के लिए, घाटों के लिए, इन सब के लिए हमारे द्वारा व्यवस्था की जा रही है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की घटना दुर्घटना। सर, अराजक तत्व जो होते हैं उनसे निपटने के लिए पुलिस क्या कर रही है? ये स्वयं मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है और वह सभी जो शिविर वाले हैं और ये मंदिर वाले हैं और इसके साथ ही घाट में भी प्रयास किया रहा है कि CCTV कैमरे लगे हों। पुलिस को भी ब्रीफ कर दिया गया है कि कहीं भी इस प्रकार के तत्व सक्रिय न हो। बुलंदशहर के थाना रामघाट कस्बे में सत्ताधारी सफेद फोश नेता की मिली भगत से दबंगों ने गरीब परिवार की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की गई, लेकिन सुनवाई न होने पर गरीब परिवार तहसील डिबाई में अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहा है। कौन लोग हैं जो दबंग लोग हैं जो कब्जा कर रहे हैं? जो है तो बटे मतलब साहब क्या कहते हैं, भींगे ज़्यादा और हम बोधे आदमी हैं, हमारी ना पुलिस सुन रही ना कोई, क्या कहते हैं, सब जगह भाज रहे, अधिकारियों को भाज रहे और जिनके आगे कोई ना पेश पर रही, स्टे भी ले आए, स्टे में भी ना काम कर रहे हैं, स्टे में भी बना रहे हैं। मुकदमा कहाँ चल रहा था? मुकदमा चल रहा है अनुसार कोर्ट में। कब से चल रहा है? ये चाहे गए आज 6 तारीख तक। जमीन का मामला यह है, मेरे पिताजी ने हरिबाबू से खरीदी थी, उसके बावजूद हरिबाबू ने इसको बेच दी। कुछ नहीं, 20 साल पहले ली थी और हमारा कब्जा है, दुकान बन रही है, बाउंड्री खींची हुई है इसने चारों तरफ। तो आपने किसी अधिकारियों को सूचना दी इस मामले? हमने पुलिस थाने में दी थी, फिर धान को भी जाके बताया था,
वही हमारे सुनवाई के लिए राजी हैं। भारतीय सेना में हवलदार पद पर तैनात लेह लद्दाख में 7 जुलाई को ड्यूटी कर रहा एक जवान शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक यूपी के औरैया जिले के फफून थाना क्षेत्र के मुड़ी गांव का रहने वाला था। बेटे के शहीद होने की खबर सुनते ही पूरे परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल सेना के जवान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है, जहां पर जवान के पार्थिव शरीर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जा रहा है। इस मौके पर परिजनों समेत सेना के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। मुड़ी गांव के रहने वाले सेना के भारतीय सेना के जवान थे, जो कि लद्दाख में तैनात थे। वहाँ उनकी शहादत भी भारतीय सेना द्वारा पूरे सम्मान से उनका पार्थिव शरीर यहाँ गाँव पर लाया गया और यहाँ पूरे राजकीय सम्मान के साथ सर। ये राज्य सरकार की तरफ से कोई इनके दुखी परिवार को सांत्वना हेतु कुछ धनराशि के लिए कहा गया? जो भी नियमानुसार होगा, इसमें जो भी व्यवस्थाएँ हैं सभी पूर्ण कल्याण सैनिक कल्याण परिषद होती है, इसके माध्यम से जो भी सभी को प्रदान किया। अलीगढ़ के बकराबाद थाना क्षेत्र के कनपुर गांव में आवारा पशुओं का आतंक रोजाना बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन पहले एक किसान को आवारा पशु ने पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया था, वहीं अब एक आवारा पशु ने वृद्ध महिला पर हमला बोल दिया, जिससे वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। फिलहाल घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या घटना हुई है? गाय ने जे घर से आ रही थी, गाय निकल रही थी, गाय ने पटक ली। और भी कोई घटना हो चुकी है तुम्हारे गांव में इससे पहले? ना ना है। अरे हाँ, थंसी खत्म भाई वरना। वो भी आवारा गाय ने मारी है? हाँ है? तो इस संबंध में आपने किसी से शिकायत करी है? नहीं, हम तो नहीं किया था। पहले पहली बार चौथा गई छोटे पटक गेते पटक रही, तो हमने कछुआ गई एक दूसरे की गाय थी। पहले भी ऐसा हो चुका है? हाँ, पहले हो चुका है इनके साथ में। फरीदाबाद में सेक्टर 4 इलाके में बिजली कर्मचारी बनकर घर में घुसे 2 बदमाशों ने अकेली बुजुर्ग महिला को बंदूक की नोक पर लेकर सोने चांदी समेत 10,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस दोनों बदमाशों को अलग अलग इलाके से गिरफ्तार करने की बात कह रही है, तो वहीं 74 वर्षीय बुजुर्ग को पुलिस कमिश्नर सम्मानित भी कर चुके हैं। सम्मानित होने वाली बुजुर्ग ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने मौके पर पहुंचकर एक बदमाश को पकड़कर खुद पुलिस के हवाले किया था। इससे साफ पता चलता है कि पुलिस अलग अलग इलाकों से बदमाश की झूठी गिरफ्तारी दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रही है। मेरे पास तो उनकी बेटी का फोन आया था जी। उनकी बेटी ने कहा था कि अंकल जी घर में कोई घुस गया है, और मतलब कि मेरी मम्मी फोन नहीं उठा रही, देखो क्या बात है क्या नहीं है, मुझे इंटीमेट करो। फिर मैं वहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद मैंने दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा खुला नहीं। मैंने उनसे कहा भी दरवाजा खोलो, जैसे नॉक करते हैं। कौन से सेक्टर की बात है और कितनी उम्र है उनकी जिनके घर में लूट की है? उनकी भाई 74, मेरे से बड़े है वो, 74-75 साल की होगी। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी बताई तो भी 73 प्लस है। 73 साल के आप हैं। फरुखाबाद में शमशाबाद थाना क्षेत्र के हसापुर गौराई में गिरीश गुरैयापुर में दावत खाने गया था। देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, जब कहीं पता नहीं चला तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। दूसरे दिन घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए। उसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन सूचना के 2 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी। परिजनों ने भी साधु पर ही हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने साधु को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। परिजनों का कहना है कि साधु ने ही गिरीश को चिमटे से गोद गोद कर मौत के घाट उतार दिया। पति मेरे, कैसे हुई ये घटना, ये समझा दीजिएगा थोड़ा सा। कैसी घटना? शाम को आए दावत खान गुरैयापुर, गुरैयापुर दावत खाए, पैसे लिखाए हमें जट्ठौन में, जट्ठौन में पैसे लिखाने के लिए नहा धो के आए घर से।
अब हम कहते रहे कि मत जाओ, कहीं तो जे चले आए कि नहीं, व्यवहार लिखा यहाँ जाके। किसके यहाँ डेथ टाउन था? गुड्डू की तरफ, गुड्डू। आप लोग कहाँ के रहने वाले? मधुपुर के। मधुपुर? हाँ हाँ। तो इनके यार दोस्त भी कोई साथ में थे? नहीं, इनकी थोड़ी जानकारी दे दूंगा। वो 7:30 बजे यहाँ बाबा लोग नंगे पड़े थे, दो दिन थे नंगे पड़े हुए, दारू इतनी पिए थे नशे में, धोते थे। 7:30 बजे वो यहाँ आए, मेला का टाइम था, उन्होंने कहा नंगे यहाँ पड़े थे। बाबा दो बाबे थे तो नंगे पड़े थे यहाँ, तो उन्होंने कहा आप बहन बेटियाँ यहाँ मेला देखने आएंगे, आप नंगे पड़े हुए है, तो उन्होंने बजा दिया। यहाँ जो जलेबी की दुकान लगी वहाँ तक बजाया, फिर वो चले गए आगे और जय चले गए दावत खाने के लिए। यहाँ गुरैयापुर में गुड्डू की दावत थी। नशा नहीं करते हैं, बुद्धि नहीं है। उनके माता जी क्या भाई हैं जी? दो भाई हैं, सबसे छोटे हैं बड़े? जी छोटे हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।